हैदराबाद के समयपुर स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि अस्पताल में भर्ती डेंगू की एक महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अस्पताल के बाउंसरों पर मारपीट का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की मोर्चरी मंभ में रखवा दिया है। वहीं मामले की जांच में भी लगातार पुलिस जुट गई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर पवन ने गलती पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। लापरवाही बताता हूँ जी, लापरवाही कहाँ करी है? इन्होंने देखने नहीं दिया, बस ठीक है, इलाज चल रहा है। रात को एक बार उनकी उल्टी आई, डॉक्टर ने मुझे बुलवाया किसी के थ्रू फोन करके कि आपके पेशेंट को उनकी उल्टी आ रही है। मैं गया, मुझे दिखाई ठीक है, कह रहे दवाई देते हैं ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उल्टी दे दी, बाद में हमें दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और रात को फिर मैं सुबह गया हूँ जबरदस्ती मिलने के लिए, मैं देख के आऊंगा भाई उल्टी आई खून की, तो उसने देखने नहीं दिया। मैं जबरदस्ती मिल के आया हूँ तो ब्रजेश थोड़े थोड़े बोल रही थी, मैं कहा रात को तो नहीं हुई, वो कह रही रात को कई बार खून की उल्टी हुई है। और ये मैंने इन्हें पूछा भाई आप तो मना कर रहे हो, तो डॉक्टर कह रहा आपका मरीज गलत बोल रहा है, इसको कोई उल्टी नहीं हुई बाद में खून की। और अब मैंने हाथ जोड़ रहा था, मैं बाबूजी अगर आपके बस की है तो डॉक्टर साहब करो, अदरवाइज मुझे कहीं और दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग बच्ची है, मैं ले जाऊंगा कहीं भी बड़े में। तो ये कहते हैं अच्छा हमसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं क्या, हम मेदांता के हैं, हम हाईस्कूल 40 के हैं, हम आज नहीं कर रहे हैं, फिर भी नहीं माने तो धक्का मुक्की करके मेरे मम्मी पापा और हम सब निकलवा दिए वहां से। इलाज में लापरवाही के दौरान मौत हुई है जी, हमसे हमारी यही अपील है जी, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, चाहे इनके डॉक्टर हैं जी, चाहे और चाहे इन्होंने रिश्वत लेने गए पुलिस वालों से। देखो सर, पेशेंट सिक आई थी, पेशेंट की कंडीशन जब आई है बहुत ज्यादा खराब थी, 76 SpO2 पे आई है पेशेंट। पेशेंट उस टाइम हेमरेजिक सिंड्रोम उसमें थी, डेंगू शॉक सिंड्रोम में थी। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था उसको दिया गया है। प्लेटलेट मेगा यूनिट इन हाउस ब्लड बैंक है हॉस्पिटल के अंदर, इनको प्लेटलेट मेगा यूनिट लगाई गई है, रात में FFP लगाई गई है पेशेंट को, नहीं इंप्रूव हुई है पेशेंट, नहीं समझे, सुबह पेशेंट ब्लीड कर गई है, उसके बाद एक्सपायर कर गई। परिवार के लोगों ने लापरवाही बताई है? लापरवाही तो सर ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, लापरवाही तो या तो पुलिस डिसाइड करेगी या नेग्लिजेंस बोर्ड डिसाइड करेगा। सर आपने बोला कि सुबह ब्लीड करी है पेशेंट ने, लेकिन परिवार का कई बार उल्टियां की उल्टियां नहीं हुई है रात में, मरने वाले के फोन पे फोन हल्का सा गम ब्लीड था रात को, बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं हुई है रात में, बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं है, ब्लीड